हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। निर्देशक अमर कौशिक की फिल्म स्त्री साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। स्त्री के मजेदार कंटेंट की बदौलत शायद उन लोगों की बोलती को विराम मिल जाए जो बॉलीवुड हॉरर फिल्मों को ट्रोल किया करते हैं, क्योंकि लगातार दूसरे हफ्ते में भी स्त्री की करोड़ की कमाई जारी है। रिलीज के 9 दिनों में स्त्री की बॉक्स ऑफिस कमाई 72 करोड़ 41 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। दूसरे वीकेंड पर हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री की कमाई शुक्रवार के मुकाबले 73% बढ़त देखने को मिली। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 4.5 करोड़ का बिजनेस किया था, वहीं शनिवार को 7.5 करोड़ का। इस तरह तक स्त्री ने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ 41 लाख की कमाई की है। न सिर्फ स्त्री बल्कि हॉलीवुड फिल्म द नन भी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। कंज्यूरिंग सीरीज की 5वीं सीरीज द नन फिल्म ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने में कामयाब रही। ये फिल्म भारत में रिलीज हुई हॉरर हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी कंज्यूरिंग की अब तक की सबसे शानदार ओपनिंग कमाई करने वाली फिल्म बन गई। द नन डे ने ओपनिंग डे पर 8 करोड़ की कमाई की है। हैरानी की बात यह कि हॉलीवुड के हॉरर के आगे बॉलीवुड का रोमांस कोई खास मैजिक नहीं दिखा पाया है। साजिद अली के निर्देशन में बनी फिल्म लैला मजनू 2 दिनों में 1 करोड़ पर भी नहीं कमा पाई है। 2 दिनों में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 80 लाख का कारोबार किया। द नन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने न सिर्फ लैला मजनू बल्कि जेपी दत्ता की फिल्म पल्टन को भी शिकस्त दी है। रिपोर्ट की माने तो पल्टन के 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 करोड़ रहा, जबकि 1603 स्क्रीन पर रिलीज हुई द नन पहले दिन 8 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।